हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा बैच, हमारी जो क्लास है बच्चों, ये आपकी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट की क्लास है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन बार्क एंड इसरो के लिए। सो बच्चों, जल्दी से सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए फटाफट जल्दी से, और बता दीजिए कि वॉइस ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है या नहीं है, और जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। बच्चों सभी को गुड इवनिंग। बच्चों गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग बच्चों। जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की जो क्लास होने वाली है बच्चों, ये क्लास आपको पूरे के पूरे 5 नंबर देने वाली है। यानी यहाँ पर मैं आपको जो टॉपिक कराने वाला हूँ बच्चों, उस टॉपिक के अंदर आपके 5 नंबर इन तीनों एग्ज़ाम्स के अंदर पक्के होने वाले हैं। सो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस क्लास के लिंक को, और स्टार्ट करते हैं इस मैराथन क्लास को, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक सर्किट को कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को कम्प्लीट सॉल्व किया जाता है। सो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस बैच के बारे में, जो हमारी क्लासेस हैं वो फाउंडेशन बैच के लिए क्लासेस चल रही है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड, तीनों ट्रेड के लिए क्लासेस चल रही है। और ये जो फाउंडेशन बैच है बच्चों, इस फाउंडेशन बैच का जो फीचर है, फीचर्स क्या है बच्चों, जो क्लास होती है उस क्लास की आपको पीडीएफ एप्लीकेशन पर तुरंत मिल जाती है जैसे ही क्लास ख़त्म होता है। बायलिंगुअल आपको पढ़ाया जाता है बच्चों, यानी यहाँ पर हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों की, दोनों बच्चों को ध्यान में रखा गया है। दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको पीडीएफ प्लस जो क्लास है वो आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगी। डिटेल्ड कंटेंट है बच्चों, यहाँ पर आपको एनिमेशंस हो गया या कोई ग्राफिक्स जो होती है उनके थ्रू आपको समझाया जाएगा, यानी आपको पूरा डिटेल्ड कंटेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। बेस्ट न्यूमेरिकल अप्रोच, और एक बात और मैं बता दूँ बच्चों, क्लास के अंदर ही आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके भी हम सॉल्यूशंस कराते हैं। जैसे टॉपिक ख़त्म होता है हमारा, जैसे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर के तुरंत बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर बच्चों, आपको कुछ MCQs जो हैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में जो आए हुए हैं वो करवाते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए और आपको ये लगे कि नहीं, बिल्कुल सर जो हमने पढ़ा है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और वही एग्ज़ाम में हूबहू आपको मिलता है। बच्चों अगर मैं बात करूं इस पेज की बच्चों, तो अभी इस पेज की जो ऑफ़र प्राइस है वो ऑफ़र प्राइस है बच्चों 699। यानी अभी ये माई पाठशाला रेलवे का आप ऐप डाउनलोड कर लो बच्चों, उस ऐप के अंदर आप इसको सर्च करोगे, किसको बच्चों, जो आपके पॉपुलर कोर्सेज हैं उसके अंदर आप देखना, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के अंदर एक कोर्स हमारा है, वहाँ पर आप देखना। अभी आपको सो गुड इवनिंग बच्चों, यस जल्दी से शेयर करो भाई, वॉइस वगैरह क्लियर है ना, बोलो बच्चों। बफरिंग कर रहा है, हाँ कोई बात नहीं, बफरिंग इशू अब सॉल्व हो गया है बच्चों। यस बिल्कुल आ रही वॉइस, हाँ बच्चों वॉइस आ रही है, बोलो बच्चों, यस वॉइस आ रही होगी ना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अब क्लास को, जल्दी से एक बार आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए बच्चों, और स्टार्ट कर रही वाला हूँ मैं इस क्लास को, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, अब तो बफरिंग वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, चलिए ठीक है बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो बैच है बच्चों, आप माई पाठशाला रेलवे का ऐप डाउनलोड कर ले, वहाँ पर ये बैच आपको मिल जाएगा, फाउंडेशन बैच बच्चों। और अगर आपका सपना भी है असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन या बार्क या इसरो के अंदर टेक्नीशियन बनने का, तो बच्चों आप इस मौके को ना गंवाएं और ये जो बैच है आप जितना फास्ट हो सके उतना ज्वाइन करिए। चलिए बच्चों सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आज हम जो पढ़ने वाले इस मैराथन क्लास के अंदर, दैट इज धारा और प्रतिरोध, यानी करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट एंड रेजिस्टेंस की मैं बात करने वाला हूँ बच्चों, कि किस तरीके से रेजिस्टेंस जो होता है उसके सर्किट्स को आप सॉल्व करोगे, किस तरीके से किसी भी सर्किट में करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है वो फॉलो होता है,
सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों ओम्स लॉ को, ठीक है। सबसे पहले करते हैं स्टार्ट बच्चों ओम्स लॉ को, चलिए ठीक है। बिल्कुल बच्चों, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है और वहां से आपको एक कोर्स मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों ओम्स लॉ को, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों, एक साइंटिस्ट हुए हैं ओम, ठीक है। बच्चों आपने सुना भी होगा, जब हम लोग पढ़ते हैं कॉलेज के अंदर भी, तो इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड होती है बच्चों, वहाँ पर ये ओम तो सभी बच्चे जानते हैं, रेजिस्टेंस की इकाई होती है ना, जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध जो होता है उसकी यूनिट होती है। लेकिन बच्चों ओम एक्चुअली में कौन थे, एक साइंटिस्ट का नाम है। ओम ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने देखा, क्या देखा, कि प्रतिरोध के सिरों पर विभव का जो पतन होता है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। बच्चों मैं पहले इसको आपको समझाता हूँ कि इन्होंने क्या कहना चाहा है, फिर हम इस पर आएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर इन्होंने कहना चाहा है कि जैसे मान लो, बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक मान लो कोई भी धातु की एक छड़ ले ली, बड़े ध्यान से समझना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक धातु की छड़ है, यानी इट इज़ अ मेटल बार, ठीक है, धातु की एक छड़ है। अब धातु क्या होती है सर, बच्चों कॉपर ले सकते हो आप, एल्यूमिनियम ले सकते हो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, जो चाहे वो लो, लेकिन मेटल होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लो, मैंने मान लिया कि ये तांबे की छड़ है, ये क्या है बच्चों, तांबे की छड़ है, कॉपर की बार है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इन्होंने क्या देखा कि इस बार पर, ध्यान से समझना बच्चों, जब इस बार पर अपन ने एक बैटरी लगाई, हमने क्या लगाई बच्चों, एक बैटरी लगाई, बैटरी का मतलब हो गया बच्चों एक ईएमएफ सोर्स, क्या लगाया बच्चों हमने, ईएमएफ सोर्स लगाया, ठीक है। ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल का हमने एक स्रोत लगाया। विद्युत वाहक बल का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाता है, एक ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाता है। बच्चों एक बात आपको पता होनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो, अगर कोई भी चीज़ दौड़ेगी तो दौड़ने के लिए फोर्स जरूरी है। कोई भी चीज़ को आपको दौड़ाना है तो उसको दौड़ाने के लिए, मोशन में लाने के लिए, गति में लाने के लिए हमेशा हमें एक फोर्स की नीड पड़ती है, ठीक है। तो वो फोर्स मैंने लगाया है जो इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जैसे हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव लगाते हैं, इधर नेगेटिव लगाते हैं, तांबे की जो छड़ होती है बच्चों, इस छड़ के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये नेगेटिव जब जाएगा, ये नेगेटिव जब यहाँ जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है उस पर भी नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर भेजेगा, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन को किधर धक्का देगा, इधर, और इधर बच्चों प्लस गया तो प्लस क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा आओ, तो इलेक्ट्रॉन किधर दौड़ना चालू करेंगे बच्चों, इधर दौड़ना स्टार्ट करेंगे। यानी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ना चालू करेंगे तो हमारे परिपथ में इलेक्ट्रॉन के दौड़ने की विपरीत दिशा में क्या फ्लो होने लग जाती है बच्चों, एक धारा का प्रवाह होने लग जाता है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है सर, आगे बताओ। अब होता क्या है बच्चों, जब ये करंट कंटिन्यूसली यहाँ पर फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली दौड़ते हैं, तो बच्चों एक बार बताओ, जब दौड़ेंगे इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे भी, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे भी है। अब टकराने से क्या होता है, एक्चुअली आपने देखा होगा कि कोई भी दो चीज़ें जब टकराती है ना, तो टकराने से आवाज़ तो आती है, आपने सुना होगा, है ना, लेकिन उसमें आवाज़ के साथ साथ कुछ उष्मा भी पैदा होती है, हीट भी पैदा होती है बच्चों, समझ गए क्या, बोलो बच्चों, ठीक है। हाँ सलीम खान कह रहे सर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की क्लास भी स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़ सर, हाँ रिप्लाई कर दिया मैंने, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों वॉइस आ रही होगी परफेक्ट, वॉइस इज ओके बताओ, या मैं एक बार चेक करूं बच्चों, बोलो वॉइस ओके है, बताओ बच्चों, मैं भी चेक कर लेता हूं एक बार, मेरे हिसाब से तो वॉइस एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कम आ रही तो आप एक बार थोड़ा मैनेज करिए आज आज, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट बच्चों, हाँ आ रही वॉइस, ठीक है चलो। अब सुनो मेरी बात को बच्चों, ध्यान से समझना, एक्चुअली क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जब ये करंट फ्लो करती है तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने की वजह से हीट पैदा होती है, ठीक है। अब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो ये जो तांबे की छड़ है ये भी इन इलेक्ट्रॉन के दौड़ने का विरोध करती है, आपने भी देखा होगा जब आप भी
होता है ना ऐसे, आपको हर जगह मिल जाएंगे। जब आप कुछ नया करोगे तो आपका विरोध करने वाले बैठे रहेंगे दो चार, है ना, कि यार नहीं नहीं मत कर तू ये काम। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जब दौड़ते हैं तो ये खुद पदार्थ जो होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन के दौड़ने का विरोध करता है। उस गुण को हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस आर। समझ गए मेरी बात को? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस आर बोलते हैं, ठीक है। तो ओम ने क्या बोला था? ओम ने ये कहा था, अब आप एक बात बताओ बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो कुछ ऊर्जा वहां भी तो वेस्ट हो जाएगी। तो ओम्स मैन ने यही बोला था कि इस प्रतिरोध के अक्रॉस, इस प्रतिरोध के सापेक्ष जो भी विभव का पतन होगा, बच्चों मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, ये मैंने लिखा है विभव पतन। ये क्या है बच्चों? विभव पतन, वोल्टेज ड्रॉप। और किसके अक्रॉस हो रहा है बच्चों? ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस। बच्चों ये सप्लाई वोल्टेज है, ये अलग चीज है, और ये वोल्टेज का ड्रॉप है, ये अलग चीज है, दोनों डिफरेंट चीज है। ओम ने इसको नहीं लिया, ओम ने बोला कि जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध के सापेक्ष जो भी विभव पतन होता है वो उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ओम ने क्या बोला था बच्चों? कि जो भी विभव का पतन होता है वो प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द रजिस्टर। इतना बोला था, ठीक है। अब आगे अगर अपन बात करें बच्चों, आई क्या है? प्रतिरोध में, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ठीक है, करंट फ्लोइंग इन रजिस्टेंस, करंट फ्लोइंग इन रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों। और V क्या है बच्चों? रेजिस्टेंस R ले लेते अपन, है ना, प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा। V क्या है बच्चों? वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द, अक्रॉस द रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध के सापेक्ष, प्रतिरोध के सापेक्ष विभव पतन, ठीक है। इसकी यूनिट बच्चों वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट, है ना, याद रखना। और जो धारा होती है बच्चों उसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर, ठीक है, एम्पियर होती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कोई भी समानुपाती का जब चिन्ह हम लोग हटाते हैं तो एक क्या आता है बच्चों? कॉन्स्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। समझ गए क्या बच्चों? बोलो, अब सुनो मेरी बात को, वॉल्यूम को बढ़ाए, हाँ गुरु जी, ठीक है। अब सुनो बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो ओम ने क्या कांस्टेंट लिया बच्चों? यहां पर आर कांस्टेंट लिया, ठीक है। तो आर क्या है बच्चों? यहां पर एक समानुपातिक नियतांक है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, वी बराबर क्या आया बच्चों? आई इंटू आर आया। तो हमारा वी बराबर क्या हो गया बच्चों? आई इंटू आर हो गया, जहां पर आर क्या बोला हमने? आर जो है बच्चों प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। और बच्चों एक बात मैं पहले ही बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस जो होता है ये हमारा समानुपातिक नियतांक है। और नियतांक मैंने आपको बोल दिया, समानुपातिक नियतांक, नियतांक का मतलब होता है हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यानी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सी बार आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप लोग क्या गलती करते हो, R बराबर क्या बना बच्चों? V बटे I। आपसे यूं कहता है कि किसी प्रतिरोध के सापेक्ष यदि वोल्टता को दुगना किया जाए, है ना, ध्यान से सुनना, यदि किसी प्रतिरोध के सापेक्ष विभव पतन दुगना किया जाए, है ना, तो बताओ प्रतिरोध का मान कितना होगा, है ना। तो बच्चों विभव पतन दुगना होने का मतलब है उसकी करंट डबल हो गई, और करंट दुगनी होगी विभव पतन भी दुगना होगा। तो बच्चों ये हमेशा नियतांक आता है, ये कांस्टेंट रहता है। आप वोल्टेज बढ़ाओगे, आप करंट बढ़ाओगे, तो क्या बढ़ेगा आपका बच्चों? वोल्टेज का, विभव का पतन भी बढ़ेगा। हाँ, करंट जो है बच्चों वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वी डिपेंडेंट है, यानी आई जो है वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र चर है, जबकि वी जो है ना वो आई पर डिपेंड करे। अगर तुम करंट को दुगना कर दोगे तो वोल्टेज का जो ड्रॉप है, विभव का जो पतन है बच्चों, वो भी दुगना हो जाएगा। तो दो बटे दो करोगे तो रेशियो वही आएगा। तो हमेशा आर क्या रहता है बच्चों? नियत रहता है। समझ गए मेरी बात को? बोलो बच्चों,
ठीक है, तो अब मैं आता हूँ इसकी परिभाषा पर, उसके बाद इसकी मेन परिभाषा मैं आपके लिए लिख दूंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसमें अगर करंट आई जा रहा है, इसके अक्रॉस विभव पतन वी है और प्रतिरोध का मान आर है, तो विभव पतन जो होता है बच्चों वो आई के समानुपाती होता है। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो अब मैं इसकी पूरी ढंग से ओम्स के नियम की जो पूरी परिभाषा है वो बताता हूँ। एक्चुअली क्या था बच्चों, ओम ने ये चीज़ बोली तो थी, लेकिन ओम ने बोला था कि बच्चों विभव पतन धारा के समानुपाती तो होगा, लेकिन एक शर्त का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको तापमान, जो छड़ ली थी ना कॉपर की, तांबे की जो छड़ ली थी, उसका तापमान, उसका आयतन, उसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये हर चीज़ आपको नियत रखनी पड़ेगी, तभी वोल्टेज ड्रॉप यानी विभव पतन धारा के समानुपाती होगा। ये ओम के नियम की मेन बात है बच्चों। ठीक है, तो ओम के नियम की आपको मैं अगर परफेक्ट डेफिनेशन लिखो बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ध्यान से समझना बच्चों, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ पहले या हिंदी में बोल देता हूँ, है ना, फिर इंग्लिश में भी मैं बोल दूंगा। ओम के नियमानुसार, बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है, ओम के नियमानुसार यदि किसी चालक, मैंने बोला था ना बच्चों चालक, चालक यानी कॉपर की छड़ हमने ली थी तो चालक, ठीक है, चालक की भौतिक अवस्था, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है बच्चों, क्योंकि भौतिक अवस्था जो है उसका मतलब है उसकी फिजिकल जो डायमेंशन है वो, जैसे कि तापमान, टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, आयतन इत्यादि, है ना, भौतिक अवस्था क्या रहे बच्चों, अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों, चालक के सिरों पर विभव पतन, चालक का मतलब बच्चों यहाँ प्रतिरोधी है, ठीक है, प्रतिरोध ही आएगा, विभव पतन उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। ये इनका मेन स्टेटमेंट था जो आपको नोट्स के अंदर नोट करना है, यानी अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, देन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। समझ गए बच्चों? उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती होगा। अब एक बात बताओ मुझे, अगर इसने इतनी बड़ी बात बताई कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, तुमने इसको दुगना किया, ये भी दुगना हो गया, तो बच्चों इनका अनुपात हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, अर्थात विभव पतन से धारा का अनुपात क्या रहेगा बच्चों, अनुपात नियत रहता है। क्या रहता है बच्चों, नियत रहता है। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि R जो है वो V बटे I है, तो ये क्या आता है बच्चों, आपका नियतांक आता है, यानी ये आपका कांस्टेंट होता है। समझ गए मेरी बात को? और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दो चीज़ें हैं बच्चों, अपन अगर ये बात बोलें, एक मैंने बोला V प्रोपोर्शनल टू I और एक मैंने बोला I प्रोपोर्शनल टू V, बच्चों दोनों सेम चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, रोहित सरकार, सर मैं आपसे एलपीएन टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहता हूँ, तो इसके लिए एक्चुअल सिलेबस क्या है, एक एक जगह पे एक एक तरह की सिलेबस दिखा रहा है, सर प्लीज़ सिलेबस बता दीजिए। रोहित सरकार, मैं आपको पहले ही बता दूँ, जो मेरी पहली क्लास थी अपने इस बेच की, फाउंडेशन बेच की, उस पहली क्लास में पहला ही टॉपिक मैंने
सिलेबस बताया था, समझ गए मेरी बात को? तो आज की तो क्लास है ये, तो ये तो सिलेबस की क्लास है ही नहीं। तो आप चाहे तो भले ही हमारा पाठशाला रेलवे का ऐप डाउनलोड कर लो, उस कोर्स के अंदर पहला लेक्चर वैसे भी फ्री है, उसके अंदर पूरा आपको सिलेबस ही डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि क्या क्या हम आपको पढ़ाने वाले हैं और कितने टाइम में हम आपको ये कंप्लीट भी कराने वाले हैं। तो एक बार आप गो थ्रू हो जाइए माई पाठशाला रेलवे का ऐप डाउनलोड करके, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर जो ये सिलेबस है वो आप देख लीजिए, वो आपका वीडियो वैसे फ्री में चलेगा सिलेबस वाला, समझ गए रोहित सरकार? ठीक है बच्चों, चलो अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। बताओ भाई जल्दी से कमेंट्स करो भाई दोस्तों, चलो अब सुनो। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, ओम का नियम ये नहीं है, ओम का नियम ये है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें इसमें क्या अंतर है? बच्चों इन दोनों में रात दिन का अंतर है। एक्चुअली क्या है, यहां हम कह रहे हैं कि विभव का पतन धारा के समानुपाती, यानी आप इनपुट में धारा दे रहे हो और आउटपुट में वी ले रहे हो, इस बात को ध्यान रखना। यानी यहां पर ये बच्चों स्वतंत्र चर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपन यहां बोलेंगे स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और बच्चों वी जो है ना, वी दैट इज डिपेंड, किस पर डिपेंड कर गया? करंट पर। मैंने बोला ना विभव पतन धारा के समानुपाती, तुम धारा का दुगुना करो विभव पतन दुगुना हो जाएगा, तुम धारा को चार गुना करो विभव पतन तुम्हारा चार गुना हो जाएगा, समझ गए मेरी बात को? तो ये क्या है बच्चों, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब यहां पर ये अस्वतंत्र है, निर्भर है, निर्भर चर, ये इंडिपेंडेंट है। किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है बच्चों हमारा करंट पर, ठीक है। तो ओम ने तो बोला था विभव पतन हमेशा धारा के समानुपाती, तो विभव पतन ओम ने बोला था इंडिपेंडेंट है, जबकि करंट ये तो डिपेंडेंट हो गया ना आपका, ये तो आपका निर्भर हो गया डिपेंडेंट, ठीक है। तो विभव पतन आपका डिपेंडेंट है और करंट आपका इंडिपेंडेंट है, जबकि इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें विभव पतन को आपने वोल्टेज को क्या बोला, आपने बोला इट इज इंडिपेंडेंट, जो कि संभव ही नहीं है। विभव पतन धारा पर निर्भर करेगा, धारा आएगी तब विभव पतन आएगा, ना कि विभव पतन आने से धारा आएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए ना मेरी बात को, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको बताऊं कि बच्चों मान लो ये 5 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है, और इसमें मान लो 4 एम्पियर की धारा गई, तो धारा जब जाएगी तो यहां पर 5 × 4 यानी 20 वोल्ट का पतन होगा। तो पहले कौन आया, पहले ये आया और फिर ये आया, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। हाँ, अगर आप इस धारा को 4 एम्पियर की जगह पर आप इसको 10 एम्पियर कर दोगे तो विभव पतन भी आपका 10 × 5 50 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोध जो आपका 5 ओम है वही रहेगा, समझ गए बच्चों। अब आपको एक बात और बता दूं, जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं बच्चों, इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे, जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं हमेशा स्वतंत्र चर को एक्स एक्सिस पर और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है यानी जो आपका निर्भर वाला चर होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पर ही दिखाते हैं। तो मैं अभी आपका वी और आई के बीच का ग्राफ भी बता दूंगा बच्चों, पहले ये पीडीएफ अपना सेव हो जाए, ठीक है। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का पूरा कोर्स पढ़ाई जाएगी क्या सर? बिल्कुल कुंदन कुमार, पूरा नहीं, पूरा 100% है ना, और पूरे से भी ज़्यादा, यानी आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर के, आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहे। जो हमारा प्रॉमिस है वो बिल्कुल यही है कि आपको पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे और आप स्टार्टिंग की 2-4 क्लासेस देखना, आपको पता लग जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। चलिए, हाँ उमंग कह रहे हैं लीनियर सर, बिल्कुल सही बात है, आई का बड़ा या घटाए वी नो चेंज होगा सर, वी नो चेंज होगा, आई को बड़ा ए या घटाए वी नहीं चेंज होगा, वी तो चेंज होगा मेरे भाई, आर चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस डजंट चेंज, आप करंट बढ़ाओगे वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या रहता है बच्चों, हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, समझ गए मेरी बात को, बोलो बच्चों, द पॉइंट इज क्लियर, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गई होगी मेरी बात, बोलो बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पॉइंट पर सेव हो गया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को बच्चों, अब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना चाहूंगा, ठीक है। चलो अब अपन आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, ठीक है। आज की क्लास में आपके 5 नंबर फिक्स है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपना वी आई करो, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों,
यानी वीआई कैरेक्टरिस्टिक। क्या बना रहा हूं मैं? वीआई कैरेक्टरिस्टिक। वीआई का मतलब है बच्चों वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ। अब सुनो मेरी बात को, मैंने आपको बोला कि हमेशा स्वतंत्र चर कहां पर आएगा बच्चों? एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो अपन ने इस एक्सिस पर करंट लिया और वाई एक्सिस पर क्या आएगा बच्चों? डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, जो निर्भर करेगा, कौन निर्भर करेगा? वी। अब अपन ये कह रहे हैं कि बच्चों तुम करंट जीरो रखो तो वोल्टेज भी जीरो होगा, तुम करंट दुगना करो वोल्टेज भी दुगना। तो ये रिश्ता होता है लीनियर वाला, करंट दुगना वोल्टेज दुगना, विभव पतन, करंट चार गुना विभव पतन भी चार गुना, करंट आठ गुना विभव पतन भी आठ गुना, करंट आधा विभव पतन भी आधा, ये रिश्ता होता है साथ साथ चलने वाला, इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलती है बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, ये है आपका लीनियर कर्व होता है, ये हमेशा कैसा कर्व होता है बच्चों? लीनियर कर्व होता है। बात समझ गए क्या? ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। यानी मैं अगर आपको बताऊं सर तो फिजिक्स की क्लास कितने बजे चला करेगी, जो टाइमिंग जैसा है वैसे रहेगा, ठीक है। चलो बच्चों अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ सर आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर का एक मैराथन लगाइए सर। हाँ बिल्कुल लगाएंगे उमंग कुमार, बिल्कुल लगाएंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर को, बिल्कुल पढ़ाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, होता क्या है अगर हम बात करें यहाँ पर वी आई कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक है। तो प्रतिरोध का वी आई कर्व एक सरल रेखा होती है, एक सरल रेखा होती है, यानी द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजिस्टेंस इज अ स्ट्रेट लाइन जो कहां से पास होती है बच्चों? जीरो जीरो से, यानी कि ओरिजिन से पास होती है। समझ गए क्या मेरी बात को? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो काम की बात है। अब एक बात बताओ मुझे बच्चों, मान लो इसका जो स्लोप है, बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, मैं मान लेता हूं थीटा है ना, थीटा, ठीक है। ये कोण मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो मैंने क्या किया बच्चों? एक करंट ले ली, थोड़ी देर के लिए मान लो एक अपन ने करंट ले लिया या एक वोल्टेज ले लिया, मान लो ये मान लो I1 करंट है इतनी, और इस I1 करंट के करेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है हमारा V1 है, थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि यार रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ध्यान से सुनना बच्चों, ये तो I1 है टोटल और ये तुम्हारा V1 है। तो अगर आप यहां पर नियम लगाओ टेन थीटा वाला, टेन थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा, याद है आपको टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है वी वन, आधार कितना है आई वन। और अभी मैंने आपको बताया है बच्चों, ये इसको अपन टेन थीटा को अपन बोलते हैं स्लोप या प्रवणता, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? प्रवणता, एम। और बच्चों वी बटे आई हमारा क्या होता है? प्रतिरोध। यानी यहां से बच्चों इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे कि जो टेन थीटा होता है वही हमारा किसके बराबर होता है बच्चों? प्रतिरोध के बराबर होता है। हाँ अगर आपको प्रतिरोध बढ़ाना है तो आप खुद देखो, थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, क्योंकि टेन जीरो जीरो होता है और टेन तीस डिग्री कितना होता है बच्चों? वन बाई रूट थ्री, और टेन पैंतालीस एक हो जाता है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ता चला जाएगा। मेरी बात समझ गए क्या? थीटा कैसे बढ़ेगा बच्चों? थीटा यूं जाएगा तब बढ़ेगा या यूं आएगा तब बढ़ेगा? ऊपर जाएगा तब बढ़ेगा। समझ गए मेरी बात को? तो थीटा ही यहां पर प्रतिरोध को दिखाता है। हाँ थीटा नहीं, टेन थीटा, टेन थीटा दिखाता है प्रतिरोध को। अगर आपको थीटा दे दूं मैं कि 30 डिग्री, तो बताओ प्रतिरोध कितना होगा? तो टेन 30 डिग्री लिख लेना। समझ गए मेरी बात को बच्चों? बोलो बच्चों द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। राधे राधे भूमान जी, राधे राधे, ऑल भी बन गए मेरा, ठीक है। बोलो बच्चों, राइट। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं एक पॉइंट देना,
एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ बेसिक वाला, जो हो सकता है एएलपी के अंदर आपसे पूछ भी ले। बच्चों इधर करंट है और इधर आपका वोल्टेज है, और मैं तीन प्रतिरोध बना देता हूँ। एक बच्चों मैंने R1 बना दिया, ठीक है, एक मैंने R2 बना दिया, ठीक है। और आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताओ इनके बीच में रिश्ता क्या है। द रिलेशन बिटवीन R1, R2, R3, मतलब इनमें बड़ा कौन छोटा कौन ये बताना है ना। R1, R2, R3 में संबंध होगा, ठीक है बच्चों। तो अब मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, ठीक है। होता क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना, आप देख रहे हो तो R1 का स्लोप कितना है, R1 का स्लोप केवल इतना सा है ना, जबकि R2 का स्लोप कितना है बच्चों, इतना है, जबकि R3 का कितना है, इतना है। तो आप देख रहे हो R1, R2, R3 सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, R3 का। तो जिसका स्लोप ज्यादा, जिसका ढाल ज्यादा, उसका वैल्यू भी ज्यादा। तो यहां पर R1 सबसे ज्यादा है, फिर R2 है, ओ सॉरी सबसे ज्यादा कौन है, R3, फिर कौन है, R2, और फिर कौन आएगा बच्चों, आपका R1 आएगा। समझ गए मेरी बात को, बोलो बच्चों। तो आपको ये बात समझनी है कि जितना ज्यादा ढाल रहेगा उतना ज्यादा प्रतिरोध आएगा। यस, बिल्कुल सही है विजय कुमार, आपका आंसर सही है। यस, द आंसर इज करेक्ट, R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, बिल्कुल सही है। उमंग आपका भी आंसर ठीक है, यस परफेक्ट आंसर है बच्चों, बोलो ठीक है। चलो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, एक नोट पॉइंट बता रहा हूं जो भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब आप एक बार बताओ प्रतिरोध के जितने कर्व है भाई, वी और आई का जो प्रतिरोध का कर्व बनाया आपने, ये सबके सब सरल रेखा होता है। तो इस बात को आप लोग नोट कर लेना बच्चों, ओम का जो नियम है वो रेखीय अवयव पर ही लगेगा, अरेखीय अवयव पर ओम का नियम कभी भी नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आपका मान लो, ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे आई और वी का कर्व मान लो ऐसा बना, थोड़ी देर के लिए मान लो ऐसा बन गया, ऐसा। अब यार ऐसा बन गया तो इसका तो ढाल हर जगह बदल रहा है, हर जगह ढाल बदल रहा है, तो प्रतिरोध भी बदल गया ना। तो ये अरेखीय एलिमेंट है, यहां पर ओम का नियम फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि V और I का जो अनुपात है वो नियत नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये मैं आपके लिए लिख देता हूं, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। दो नोट लिखूंगा बच्चों, ठीक है। पहला पॉइंट लिखूंगा बच्चों, ओम का नियम केवल है ना, ओम का नियम केवल रेखीय अवयव, इंग्लिश वालों के लिए भी मैं बोल दूंगा, केवल रेखीय अवयव पर ही लगता है, पर लागू होता है ना। दूसरा, यह किस पर लागू नहीं होता है बच्चों, तो ओम का नियम, इंग्लिश में बोल दूंगा अभी मैं, ओम का नियम अरेखीय अवयव है ना, अरेखीय अवयव एवं एक दिशीय कोमा एक दिशीय है ना, एक दिशीय को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों यूनिलैटरल एक दिशी अवयव पर लागू नहीं होता है। अब एक दिशीय क्या होता है सुनो, पहले मैं इंग्लिश बोल देता हूं, ओम का नियम केवल रेखीय अवयव पर ही लागू होता है ना। तो ओम्स लॉ अप्लाई ओनली फॉर लीनियर एलिमेंट है ना, ओम्स लॉ नॉट अप्लाई फॉर नॉन लीनियर एलिमेंट कोमा बाय यूनिलैटरल डिवाइस बोल दो या एलिमेंट बोल दो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे एक दिशीय का और द्विदिशीय का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये है ना, अब ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे मान लो ये कोई एलिमेंट है ना, अब मैंने क्या किया, इसको प्लस से कनेक्ट किया और इसको माइनस से कनेक्ट किया, ठीक है, तो करंट फ्लो कर गया, ठीक है। अब मैंने इसको उलट दिया,
उलटने के बाद इसको प्लस से इसको माइनस से कनेक्ट किया, फिर भी करंट फ्लो कर गया। तो ये डिवाइस कैसा हो गया बच्चों? बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब है ये दोनों दिशाओं में धारा इसमें प्रवाहित हो सकती है। ऐसे प्रवाहित करो तो भी हो जाएगी, और ऐसे प्रवाहित करो तो भी इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगी। जैसे प्रतिरोध, सबसे बढ़िया जो हमारा एक दिशीय एलिमेंट है, एक दिशीय का सबसे बढ़िया जो अवयव है वो है बच्चों प्रतिरोध। और प्रतिरोध पर तो आपका ओम का नियम लागू होता ही होता है ना, यूनिलैटरल, सॉरी नॉट एक दिशीय, ये कैसा है बच्चों? बाइलेटरल है, बाइलेटरल है ना, ये है आपका द्विदिशीय, तो यहीं पर लगेगा ये, ठीक है। जबकि जैसे यूनिलैटरल, अगर मैं यूनिलैटरल की बात करूं ना, तो मेरी बात से सुनना, यूनिलैटरल का मतलब है एक दिशीय। एक दिशीय में आता है बच्चों आपका डायोड, क्या आता है? डायोड। सुनो मेरी बात, डायोड क्या होता है बच्चों? जब आप डायोड को पी को मोर पॉजिटिव यानी अधिक धनात्मक कंपेयर टू कैथोड है ना, एनोड को मोर पॉजिटिव रख से वो कैथोड से, तभी जाकर के वो ऑन होता है, यानी फॉरवर्ड बायसिंग में ऑन रहता है, रिवर्स बायसिंग में वो कंडक्शन नहीं करता, तो वहां ओम का नियम लगता भी नहीं है। डायोड के अंदर कभी नहीं लगता, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी नहीं लगेगा। समझ गया मेरी बात को बच्चों? बोलो सर हर संडे को मैराथन लाया करो। हाँ बिल्कुल लाएंगे विजय कुमार, हमारा टारगेट केवल एक ही, आपका सिलेक्शन होना, ठीक है। चलो द पॉइंट इज क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ अब सुनो मेरी बात को, अब अगर मैं बात करूं जैसे डायोड, डायोड हमारा कैसा होता है बच्चों? यूनिलैटरल, ठीक है। तो यहां पर ओम का नियम लागू नहीं होता, तो यहां लागू नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर हमारा लागू हो जाएगा। तो प्रतिरोध में हमारा क्या होता है बच्चों? ये लागू हो जाता है। बात समझ गए क्या? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब यहां से ओम का नियम पूरी तरीके से खत्म, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, बताओ। ओम का नियम जो था बच्चों वो मैंने आपको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, ठीक है। अब ओम के नियम में आर आया, तो आर की मैं बात कर लेता हूं। जैसे प्रतिरोध जो होता है बच्चों, प्रतिरोध को हम लोग कैसे दिखाते हैं, सुनना मेरी बात को, प्रतिरोध आर जो होता है उसको दिखाने के तरीके भी बता देता हूं, क्योंकि अभी अपन सर्किट सॉल्व करेंगे ना, तो फिर वो काम आएगा। जैसे प्रतिरोध को दिखाने का एक तरीका ये भी है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रतिरोध को ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है, प्रतिरोध को दिखाने का ये भी एक तरीका है, और प्रतिरोध को दिखाने का ये भी एक तरीका है, ठीक है। अब इनमें अंतर क्या है सर? बच्चों ये स्थिर मान के प्रतिरोध होते हैं, स्थिर मान के प्रतिरोध यानी फिक्स्ड वैल्यू रेजिस्टर, रेजिस्टर, ठीक है। और ये जो होते हैं ना बच्चों, ये चर मान के होते हैं, चर मान के प्रतिरोध है ना, चर मतलब बच्चों वेरिएबल वैल्यू रेजिस्टेंस, वेरिएबल वैल्यू रेजिस्टर, ठीक है। अपन पढ़ेंगे रेजिस्टर वाली यूनिट भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ा दी मैंने आपको, ये यूनिट तो मैं करा चुका हूँ, प्रतिरोध वाली तो आपको प्रतिरोध हो गया, संधारित्र हो गया, सारा पढ़ा दिया मैंने। एप पर आप देखो एक बार, पाठशाला रेलवे वाला जो एप है उस पर देखो आप, ये करा चुका हूँ मैं, ठीक है। सिंबल्स, हाँ सिंबल्स जो आते हैं उसमें अपन ये पढ़ते हैं, बिल्कुल। सिंबल अभी नहीं हुआ, वो सिंबल भी आगे हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपकी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आते हैं अपन आगे की कहानी पर। ओम के नियम की पूरा जो है पोस्टमार्टम हो गया है, ओम के नियम की सारी कहानी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। चलो अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, जो अब अपने काम की बात है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट जो आती है अपनी कहानी, ध्यान से सुनना बच्चों, यस नेक्स्ट जो आता है अपना सिक्स नंबर, ठीक है, किरचॉफ के नियम। अब मैं बच्चों देखो सर्किट आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो सर्किट के अंदर पहले प्रतिरोध आ गया है ना, अब प्रतिरोध की, हाँ अगर आप एक बात और देखना चाहो तो मैं आपको प्रतिरोध के संयोजन की थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, है ना, फिर अपन ओम के नियम आएंगे। प्रतिरोध का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना बच्चों। मैं एक बात बताऊं आपको, रेजिस्टेंस को अपन केवल दो ही तरीके से लगा सकते हैं। अब दो तरीके क्या है, एक बात बताओ, जैसे मान लो अपन पाइप लगाते हैं, पानी के पाइप, पाइप दो ही तरीके से लगा सकते हैं। पाइप जो होते हैं ना पानी के, भाई पानी आ रहा है मान लो इधर, तो इधर से अपन और आगे ला सकते हैं, भाई और पाइप जोड़ो, और पाइप जोड़ो, और पाइप जोड़ो, तो पानी सीधा 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 आ जाएगा। एक तरीका तो ये,
एक तरीका ये है भाई, पाइप होता ना पानी का, अब इस पाइप के पानी में क्या करोगे, एक पाइप और जोड़ दोगे, एक और जोड़ दोगे, तो चलते जा रहे ना पाइप, ठीक है। या एक तरीका ये होता है कि आप पाइप में कट लगाओ और एक पड़ोसी को भी दे दो थोड़ा सा पानी, पड़ोसी को भी दे दिया। फिर एक ने कहा नहीं 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 यार मेरे को भी चाहिए, ले भाई तू भी कट लगा तू भी ले, ठीक है। अब अपन ने इसको भी दे दिया, एक तरीका ये। अब इसमें क्या हो बच्चों, पानी जो है ना वो पानी तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, पानी यहाँ भी जाएगा, कुछ यहाँ भी जाएगा, वो यहाँ भी जाएगा, लेकिन वो निर्भर करेगा पाइप की साइज क्या है। कि पता चला इसके तो आपने छोटा सा पाइप लगाया तो बेचारा के कम जाएगा ना पानी यार, मोटा पाइप लगाओगे तो ज़्यादा पानी चला जाएगा। तो बच्चों प्रतिरोध को भी अपन दो ही तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है, अगर आपने ऐसे लगाया ना तो जितना पानी इधर गया उतना ही उधर जाएगा, उतना ही उधर जाएगा, हर एक में उतना ही जाएगा। इसको बोलते हैं बच्चों श्रेणी संयोजन। क्या बोलेंगे? श्रेणी संयोजन। यानी श्रेणी संयोजन में क्या होता है बच्चों, करंट की वैल्यू सेम होती है, पानी की जगह करंट आ जाएगा अपना। जो श्रेणी संयोजन होता है, सीरीज कनेक्शन होता है, उसमें हमारा करंट की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। वही पानी फ्लो कर रहा है ऐसे करंट फ्लो करेगी। हाँ, अगर आपने उसको बांट दिया, पानी को बांट दिया यानी करंट को बांट दिया, तो फिर उसको अपन बोलेंगे समांतर संयोजन। क्या बोलते हैं बच्चों? देखो इसके समांतर में ये आ गया, इसके समांतर में ये आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों समांतर संयोजन। तो दोनों संयोजन है। थोड़ा सा बेसिक जो है वो मैं आपके काम का आपको बता देता हूँ, ताकि अपने क्वेश्चन को करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। सो बात कर लेते हैं यहाँ पर, सुनो मेरी बात को। प्रतिरोध को दो तरीके से हम लोग लगाते हैं ना, एक होता है बच्चों श्रेणी संयोजन और एक होता है बच्चों समांतर संयोजन। श्रेणी मतलब बच्चों सीरीज कनेक्शन, और एक होता है बच्चों पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अब हम लोग सीरीज कनेक्शन की बात कर लेते हैं। सीरीज कनेक्शन क्या होता है? नंबर एक पर श्रेणी संयोजन, सुनो। मान लो मेरे पास तीन प्रतिरोध है, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो मेरे पास तीन प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध ये है, सुनना मेरी बात को बच्चों, ठीक है। इसका पहला टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल ये है R, है ना। और एक और प्रतिरोध है मेरे पास, वो ये वाला है, ठीक है। ये मान लो R1 है, ठीक है, और ये मान लो R2 है। ये पहला टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल, ठीक है। और एक मान लो R3 है, पहला टर्मिनल दूसरा टर्मिनल R3, ठीक है। अब मुझे इनको श्रेणी में जोड़ना है, श्रेणी संयोजन करना है। तो श्रेणी का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। श्रेणी का मतलब होता है कि हमने पहले रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जोड़ दिया, ठीक है। दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को तीसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जोड़ दिया, तो ये कौन सा कनेक्शन कहलाता है बच्चों? श्रेणी संयोजन। और आपको दिख रहा होगा श्रेणी संयोजन में क्या होगा बच्चों, अगर मैं धारा बनाऊंगा तो जितनी धारा इधर जाएगी समान मान की धारा सब में प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है। हाँ, विभव पतन, इसमें आई गुणा आर वन आएगा, इसमें आई गुणा आर टू आएगा, इसमें आई गुणा आर थ्री आएगा, तो तीनों में विभव पतन अलग अलग आएगा, उसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों तीनों के प्रतिरोध के मान अलग अलग हैं। समझ गए मेरी बात को? राइट, ठीक है। अब बच्चों यार इन सबको आपने जोड़ा तो एक पूरा प्रतिरोध बन गया। भाई अपन ने मान लो पाइप के छोटे छोटे टुकड़े जोड़े तो एक पूरा पाइप बन ही गया ना। तो अगर मैं इसको इक्विवेलेंट प्रतिरोध बनाऊं इसका, कि भाई ये कितना बना, तो बच्चों ये एक नंबर वाला, इसका एक नंबर और इस लास्ट वाले का दो नंबर, है ना। और ये टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा वो पता नहीं कितना आएगा, अभी मैं लिख दूंगा कितना आएगा, ठीक है। उसको मैंने मान लो आर बोला, तो बच्चों वो आर कुछ भी नहीं है, आप आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर दो, तीनों को जोड़ दो, सीधा सीधा जोड़ दो, आपका टोटल प्रतिरोध आ जाएगा और धारा तो जो जा रही है वही जाएगी। क्योंकि बच्चों विभव पतन क्या होगा भाई, वी वन वी टू और वी थ्री, कुल विभव पतन तो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री होगा ना, तो प्रतिरोध जुड़ गया आपका। समझ गए मेरी बात को? तो श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध का अगर तुल्यांकी प्रतिरोध निकालना है तो उन सबको सीधा सीधा जोड़ देते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ,
विश्वात सिन्हा कह रहे हैं सर ट्रेड की कंप्लीट सिलेबस कवर कराइएगा प्लीज। बिल्कुल विश्वात सिन्हा, हम ट्रेड का पूरा सिलेबस ही कवर करा रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो कंप्लीट कंप्लीट सिलेबस आपका कवर हो रहा है इसके अंदर। फाउंडेशन बैच ये हमारा है, फाउंडेशन बैच, ठीक है। ये फाउंडेशन बैच है जो कि आप माई पाठशाला रेलवे का ऐप डाउनलोड जो करोगे वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के नाम से एक कोर्स है बच्चों, केवल 699 का, ठीक है। और इतना बढ़िया आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, इतना बढ़िया कंटेंट दिया है, आप भी देखोगे पता लग जाएगा, जिसमें आपको क्लास की और क्वेश्चन जो कराता हूँ उसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। बायलिंगुअल हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। डिटेल्ड कंटेंट है जो कि रेलवे का, जो आप असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए है, या आप इसरो बार्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार बैच है बच्चों, बहुत ही ज़बरदस्त बैच है। और अगर अपन बात करें तो बेस्ट न्यूमेरिकल अप्रोच बच्चों, आपको क्लास के बीच बीच में न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कराते हैं ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। अभी ये क्लास जो चल रही है इसके अंदर भी मैं पहले थ्योरी पढ़ाना फिर क्वेश्चन कराऊंगा, तब जाके आपके पूरे 5 नंबर पक्के करा के चले जाऊंगा आज। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग साथ में लेकर के चलते हैं ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहे और आपको लगे कि हाँ भाई हमारा जो कंटेंट है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है बच्चों। चलिए जी, यस, ठीक है, चलो बढ़ते हैं विश्वजीत, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ आपके लिए क्योंकि श्रेणी संयोजन मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको समांतर संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करने वाला हूँ और उसके बाद केवीएल, केसीएल एंड देन मैं स्टार्ट करूँगा बच्चों आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, जो अच्छे वाले क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए सेव हो जाए एक बार ये पीडीएफ मेरा, फिर हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए यस बताइए बच्चों, प्रवीण कुमार, रणजीत प्रजापत, बताओ भाई। चलिए सेव हो जाए एक बार फिर अपन स्टार्ट करते हैं कहानी को, ठीक है। चलिए बोलो बच्चों, चलो बच्चों हो गया सेव, चलो बढ़े आगे, यस बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों समांतर संयोजन, ठीक है, समांतर संयोजन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, समांतर में क्या होता है बच्चों, धारा जो है वो बदल बढ़ जाएगी, समांतर संयोजन। हालांकि मैंने ये प्रतिरोध वाले चैप्टर में भी आपको बता दिया है ना, पैरेलल कनेक्शन, इसीलिए मैं बस हल्का हल्का रिवाइज करा रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल अभी अपन करेंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये मान लो पहला प्रतिरोध है, इसका पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, ठीक है, और ये मान लो दूसरा प्रतिरोध है, पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, ठीक है, और ये मान लो तीसरा प्रतिरोध है, पहला टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल, ठीक है। मान लो इसमें करंट जा रहा है I1, अलग अलग है ना यार, I2 और इसमें I3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन तीनों को ऐसे जोड़ दिया, सुनो मेरी बात को, तीनों के दोनों 2 नंबर के टर्मिनल जोड़ दिए, ठीक है, और इधर तीनों के एक एक नंबर के टर्मिनल मैंने जोड़ दिए। तो अब आप खुद देखो, यहाँ से I1 चली गई, यहाँ से I2 चली गई, इधर से I3 चली गई। आप एक बार बताओ, एक एक लीटर तीनों पाइप में पानी जा रहा है तो टोटल कितना लीटर मिलेगा, 3 लीटर मिलेगा ना यार, क्योंकि तीनों पाइप को यहाँ जोड़ दिया तुमने, तो यहाँ हमारी करंट कितनी आ जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 आ जाएगी सीधे से। आप तो पानी की जगह करंट ले लो और रेजिस्टेंस की जगह पाइप ले लो, सीधी सी बात है। आपने पाइप यूँ जोड़ दिए तो बच्चों इधर से जितना पानी जाएगा, इधर से जो पानी जाएगा तो टोटल जाएगा ना उधर यार, सीधी सी बात है। तो बच्चों यहाँ जो अगर आप इसका तुल्यांकी प्रतिरोध निकालोगे, अब अगर मैं इसको इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस बनाऊँ, सुनो बच्चों, तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस जो भी बनेगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आर मैं अगली लाइन में लिखूंगा, लेकिन उस इक्वलेंट रेजिस्टेंस में जो करंट जाएगी वो I1 प्लस I2 प्लस I3 जाएगी, समझ गए। और ये जो R आता है ना बच्चों, ये R इस तरीके से आता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3, यानी तीनों जो प्रतिरोध है बच्चों उनके इनवर्स को हम लोग ऐड करते हुए चलते हैं, समझ गए बच्चों, बोलो।
द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है राइट। चलो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा नंबर 5, सॉरी नॉट द 5, नंबर 6 आएगा, ठीक है, जिसके अंदर अपन किरचॉफ के नियम की बात करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों किरचॉफ भी एक वैज्ञानिक थे, है ना, और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दो नियम दिए। कितने नियम दिए? दो नियम, पहला नियम और दूसरा नियम। पहला जो नियम होता है बच्चों, इसको अपन KCL भी बोलते हैं, KCL, KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का धारा नियम, ठीक है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों? किरचॉफ का धारा नियम। बच्चों ये बहुत आसान था, कोई इतनी बड़ी बात इन्होंने नहीं बोली। इन्होंने क्या बोला? बहुत आसान है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मान लो एक ये है, एक ये है, एक ये है, मान लो, ठीक है, और एक ये है, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। इधर से मान लो I1 करंट गई, इधर से I2 आई, ठीक है, इधर से I3 आई, है ना, तो इधर मान लो कितनी जाएगी, वो बात की बात है। बच्चों इसको अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर ये तीनों भाई उधर वाली ब्रांच सब मिल रही ना, इसको अपन बोलते हैं बच्चों संधि, संधि यानी जंक्शन। जैसे नहीं होता रेलवे में देखते हो आप जंक्शन, जंक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ से इधर से भी एक रूट आ रहा है, एक ट्रैक, इधर से भी एक ट्रैक आ रहा, उधर से भी आ रहा है, तो जंक्शन बन गई और क्या, ठीक है, तो इसको जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि या जंक्शन। तो अब आप इस संधि पर खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, ठीक है। अब संधि पर खड़े होकर आप देखोगे दो चीज़ें, एक तो वो देखना जो आपकी तरफ आ रही है, और एक वो देखना जो आपकी से दूर जा रही है, सीधी सी बात है, ठीक है। एक तो वो देखना जो आपकी तरफ आ रही है, और एक वो देखना जो आपसे दूर जा रही है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी तरफ कौन कौन सी करंट आ रही है, पहले फटाफट कमेंट करो। अगर आपको मैं संधि पर खड़ा कर दूं, अगर मैं आपको जंक्शन पर खड़ा कर दूं, तो आपकी तरफ कौन कौन सी करंट आ रही होगी, बताओ बच्चों, आपकी तरफ कौन कौन सी करंट आ रही होगी, बच्चों बताओ, बताओ आपकी तरफ कौन कौन सी करंट आ रही होगी, बताओ बच्चों, बोलो बच्चों, बताओ कौन कौन सी करंट आ रही होगी, बताओ बच्चों, बोलो, बताओ, कमेंट करिए कौन कौन सी करंट है जो आपकी तरफ आ रही है। बच्चों I1, I2 और I3, तो इनको बोलेंगे इनकमिंग करंट, संधि की तरफ आने वाली करंट है, यानी इनकमिंग करंट, और ये संधि से दूर जा रही है, इसको बोलते हैं बच्चों आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, यानी इनकमिंग धारा जो होती है, कुल इनकमिंग धारा कुल आउटगोइंग धारा के बराबर होती है, और ये तो संसार का नियम है, जितने लोग आए हैं उतने जाएंगे, तो जितना आया टोटल उतना ही जाएगा, जितना कमाओगे उतना ही तो खर्चा हो पाएगा, उससे ज़्यादा खर्चा कर ही नहीं सकते, है ही नहीं पैसे तो कहाँ से खर्चा करेंगे। तो इनकमिंग धारा हमेशा आउटगोइंग धारा के बराबर होती है, कुल इनकमिंग धारा आउटगोइंग धारा के बराबर होती है, बिल्कुल सही बात है। शाहरुख आपका सही आंसर है, प्रवीण कुमार का भी सही आंसर है, ठीक है। यानी अगर अपन लिखें बच्चों कुल आई किसका, इनकमिंग, इनकमिंग सिग्मा का मतलब होता है बच्चों जोड़, टोटल इनकमिंग धारा का जोड़ आउटगोइंग धारा के जोड़ के बराबर होता है। बच्चों बहुत आसान है ना, और आपको ये चीज किस पर बेस्ड होती है, अब देखो धारा तो आवेश से आती है, तो यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, यह नियम किस पर आधारित है बच्चों, आवेश संरक्षण पर आधारित है। दिस रूल बेस्ड ऑन एनर्जी कंजप्शन, ठीक है। ये जो नियम होता है बच्चों ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है, समझ गए मेरी बात को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब मैं पढ़ लेता हूं आपकी लाइन काम की बात को। परिपथ में किसी भी संधि पे आने वाली धारा का योग और जाने वाली धारा का योग आपस में क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों बीजगणितीय योग आता है यहाँ पे,
कैसा योग आता है? बीजगणितीय। बीजगणितीय का मतलब हो गया, अभी मैं आपको एक बात समझा दूंगा, बीजगणितीय का मतलब होता है जैसा है वैसा ही, जैसा है वैसा ही। मतलब बच्चों बीजगणितीय का मतलब होता है अलजेब्रिक। कैसा होता है? अलजेब्रिक। ये बात जीवन में ध्यान रखना, द अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट एंड द आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन ऑफ द सर्किट आर इक्वल टू ईच अदर। जैसे मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण में देता हूं, जैसे मान लो, बड़े ध्यान से सुनना, मान लो मैंने ये वाला केस ले लिया, ठीक है, ये निकाल दे, ठीक है। अब मान लो मैंने ये एक 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 है ना, ये 2 एम्पियर, ये 4 एम्पियर और ये माइनस का 3 एम्पियर ले ली, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। और इधर मैंने बोल दिया कि 1 एम्पियर गई और आपसे पूछ लिया कि बताओ इस आई का मान कितना है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कहाँ पर खड़े हो गए? यहाँ संधि पर खड़े हो जाओ। अब संधि पर आप देखो कि संधि की तरफ कितनी धाराएं आ रही है, 2 भी आ रहा है 4 भी आ रहा है और -3 भी है। बच्चों -3 है आ रहा ना, तो -3 को -3 ही लेना, -3 को आप लोग -3 ही लोगे। तो आने वाली धाराएं कितनी है? आने वाली धाराएं 2 + 4 - 3, तो 2 + 2 + 4 + -3 बराबर जा कितनी रही है, दूर कितनी जा रही है? दूर जा रही है 1 और आई, तो क्या आएगा बच्चों? I+1। सॉल्व कर लो इसको, 4 और 2 कितना होगा? 6 - 3 = I+1, तो ये कितना आएगा बच्चों? 3 I+1, तो I बराबर कितना आएगा बच्चों? 2 एम्पियर। बोलो बच्चों I कितना आएगा? 2 एम्पियर। तो मैंने ये कहा है कि जो जैसा है वैसा का वैसा ही रखोगे, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? बीजगणितीय योग बोलते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना बच्चों, डीसी में बीजगणितीय योग आता है, एसी में फेजर सम आता है। जब मैं आपको एसी पढ़ाऊंगा तो एसी के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एसी के अंदर हम लोग फेजर सम यूज में लेते हैं, फेजर सम, ठीक है, वो वहां पर आता है, वो अलग मैटर है, ठीक है। हाँ, ये डीसी का केस है, द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। और ये किस पर आधारित होता है बच्चों? आवेश संरक्षण पर, सॉरी नॉट द एनर्जी कंजर्वेशन, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। आवेश संरक्षण पर आधारित है, मतलब ये चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, अगला पॉइंट नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका 7 नंबर का, ठीक है। 7 नंबर पर आता है दूसरा नियम, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है। दूसरा नियम बहुत अच्छा है, इसको अपन केवीएल भी बोल सकते हैं, केवीएल है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केवीएल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब सुनो बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। कोई भी क्लोज लूप होता है बच्चों, जैसे मान लो अपन ने एक रजिस्टर ये लगाया, ठीक है, मैं इधर बनाता हूँ, अभी मैं केवल रजिस्टर ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ मान लो ये सप्लाई दे दी मैंने, ठीक है, मान लो मैंने ई ले लिया, ठीक है, ध्यान से सुना बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ठीक है, और यहाँ पर करंट जा रहा है मान लो 3 एम्पियर का, ठीक है। अब सुनना बच्चों, ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझना कि एक्चुअली क्या होता है बच्चों, अगर मैं बात करूँ आपसे, ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितना ड्रॉप होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ ड्रॉप आएगा 3 × 2 यानी 6 वोल्ट का, है ना, 6 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। यहाँ कितना ड्रॉप आएगा? 3 × 3 9 वोल्ट का, ठीक है। और यहाँ पर कितना ड्रॉप आएगा बच्चों? 3 × 4 यानी 12 वोल्ट का, ठीक है। अब ये विभव बताना है बच्चों प्रतिरोध के सापेक्ष, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया प्रतिरोध के सापेक्ष कैसे विभव पतन निकालते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि जहां से हमारा धारा आता है, हमेशा धारा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होता है, ये बात ध्यान रखना बच्चों, द करंट इज ऑलवेज फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो एक बार बताओ, ये हाई पोटेंशियल है तो यहां प्लस आएगा, ये लो पोटेंशियल है यहां माइनस आएगा,
ये हाई पोटेंशियल है, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ लो पोटेंशियल है माइनस आएगा, यहाँ हाई पोटेंशियल है प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा लो पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये मैंने प्लस माइनस लगा दिया। धारा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने प्लस माइनस लगा दिया। ओके सर आगे बताओ, अब क्या करोगे? इस लूप में तुम चाहे ऐसे घूम लो, चाहे ऐसे घूम लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे घूमना चाहो वैसे घूम सकते हो। मान लो मैंने इस डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट किया, ठीक है। मान लो मैं इस डायरेक्शन में घूमना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा बच्चों? प्लस से माइनस, माइनस का 6, प्लस से माइनस, माइनस का 9, प्लस से माइनस, माइनस का 12, और माइनस से प्लस, प्लस का e। इन सब का टोटल हमेशा किसके बराबर होता है बच्चों? 0 के बराबर होता है। समझ गए मेरी बात को? 0 के बराबर होता है सबका सम। यानी किसी बंद लूप में बच्चों, बंद लूप है, किसी भी बंद लूप में विभिन्न अवयवों के सिरों के विभवांतर का बीजगणितीय योगफल सदैव शून्य होता है। अब अपन को ई का मान निकालना है तो निकल जाएगा ना, हमेशा 0 होता है बच्चों, ठीक है। ई बराबर ये कितना आएगा? 9 6 15, ये माइनस का 27, प्लस ई बराबर 0 आएगा बच्चों। तो ई बराबर कितना आएगा तुम्हारा? 27 वोल्ट आएगा। सीधी सी बात है, बोलो बच्चों, द पॉइंट इज क्लियर ना, ठीक है। तो 26 वोल्ट आएगा ना? यस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है, 27 वोल्ट आ गया। तो बच्चों यही नियम है, और ये किस पर आधारित होता? ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है यह नियम। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है बच्चों? बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। समझ गए मेरी बात को? तो इन अ क्लोज लूप द अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिफरेंट कंपोनेंट इज ऑलवेज 0। बच्चों ये भी मैं आपके लिए सेव कर देता हूँ, समझ गए मेरी बात को? बोलो बच्चों, प्रवीण कुमार, यस, समझ गए मेरी बात को? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो बच्चों, बात समझ गए क्या? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है। बोलो बच्चों, आई होप आपको ये बात काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बोलो बच्चों, चलो बढ़े आगे, चलो बच्चों बढ़े आगे, बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। चलो चलो अब सुनो मेरी बात को, अब बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब बढ़े आगे, यस, ये भी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। अब अपन आएंगे क्वेश्चन पर, ठीक है। ये जो थ्योरी थी ना, थ्योरी मैंने आपको करा दी है, उससे पहले मैं आपको एक खास बात बता रहा हूँ इस बैच के रिगार्डिंग, ठीक है। ये बैच जो है बच्चों बहुत ही प्यारा बैच है, फाउंडेशन बैच जो हमने लॉन्च किया है बच्चों, बहुत ही प्यारा बैच है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आपका आ रहा है। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा? माई पाठशाला रेलवे, माई पाठशाला रेलवे का ऑफिशियल जो ऐप है, एप्लीकेशन है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। वहाँ पर आप पॉपुलर कोर्सेज में जाओ, पॉपुलर कोर्सेज के अंदर आपको इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के अंदर ये मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के अंदर मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात को? क्लास की पीडीएफ और क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलेगी, बायलिंगुअल में है बच्चों, दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, डिटेल्ड कंटेंट है और बेस्ट न्यूमेरिकल अप्रोच, मतलब आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चंस भी कराए ताकि आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच भी डेवलप हो। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो हम लोग यहाँ पर करवा ही रहे हैं बच्चों। प्राइस क्या रखी है हमने? बहुत ही मिनिमम प्राइस रखी है, 699। बोलो बच्चों, हाँ विश्वजीत क्या कह रहे सर, कैसे आया, कौन सी चीज़ कैसे आई भाई, बताओ विश्वजीत, कौन सी चीज़ कैसा है, क्या कहना चाहते हो, मुझे ये समझ नहीं आया, बताओ कौन सी चीज़ कैसा है ये बताओ बच्चों, बोलो कौन सी चीज़ कैसा है ये बताओ बच्चों, बोलो बताओ बच्चों कौन सी चीज़ कैसा है, क्या कहना चाह रहे हो, ये मेरे को समझ में नहीं आया, बोलो बच्चों बताओ,
बोलो बच्चों क्या कहना चाह रहे हो विश्वजीत, जल्दी बताओ, फास्ट फॉरवर्ड में बताओ क्या कहना चाहते हो, बोलो विश्वजीत क्या कहना चाहते हो बताओ। चलो बढ़ूँ आगे तो फिर, है ना, तो सुनो मेरी बात को, नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट आपका आएगा बच्चों सेवन्थ नंबर, आई थिंक सेवन नंबर तो हो गया है ना, अब अपन आ जाते हैं एट नंबर पर, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर कह रहा है फाइंड नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के मध्य में आपको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कुल प्रतिरोध निकालना है, ठीक है बच्चों। बहुत आराम से हो जाएगा, आपको अगर करंट सेम नज़र आए तो सीरीज में, और करंट अगर बट रहा है तो समांतर में, ठीक है। तो करंट चालू करो बच्चों, यहाँ से मान लो करंट आ ही गया, ठीक है, तो इधर कुछ अलग जाएगा, इधर कुछ अलग जाएगा, है ना, फिर ये आई वन में से कुछ इधर चला जाएगा आई थ्री मान लो, और कुछ इधर चला जाएगा आई फोर, है ना, इधर आई थ्री आएगा, इधर आपका आई फोर आएगा, ठीक है, और यहाँ फिर ये टोटल आई चला जाएगा, ठीक है। या आप इन सब को भी भूल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा आप परिपथ को उल्टे तरीके से करो भाई, यहाँ से बैटरी दी है तो आप इस ऑर्डर से चलो, कैसे, आप इन दोनों को देखो बच्चों, ये दोनों कैसे है, देखो करंट इनमें ऐसे जा रहा है ना, करंट इसमें ऐसे जा रहा है ना, तो 20 ओम और 10 ओम दोनों में धारा समान जा रही है, तो 20 ओम और 10 ओम जो है बच्चों बोथ आर इन सीरीज, 20 ओम एंड 10 ओम आर बोथ आर इन सीरीज, तो दोनों किसमें बच्चों श्रेणी क्रम में, तो दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के कितना ओम हो जाएगा बच्चों आपका, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा ना, 20 और 10 ओम जुड़ करके कितना हो गया 30 ओम। अब आप देखो बच्चों, ये 30 ओम और ये 15 ओम दोनों किस में आ गए, समांतर में आ गए, दोनों किस में आ गए, समांतर में, तो इनका टोटल कैसे निकालोगे, 1 बाई आर बराबर 1 बटे 15 प्लस 1 बटे 30, ठीक है। या इसको मैं दोबारा आपके लिए सर्किट डिजाइन करते हुए चलता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समझाने के लिए हिसाब से मैं थोड़ा सा इसको दोबारा डिजाइन करते हुए चलता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस यहां पर आएगा 8 ओम, ठीक है, और यहां पर ये 12 ओम, ठीक है, यहां पर ये 20 ओम और यहां पर ये 10 ओम, ठीक है, और ये मान ये आपका दिया है बच्चों 15 ओम, ये 12 ओम है, ये आपका आएगा 5 ओम, ठीक है, और ये आपका आएगा बच्चों ई। अब सुनो मेरी बात को, 20 और ये 10 दोनों किस में आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए ना बच्चों, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा आपका 30 ओम हो जाएगा, ठीक है, तो 30 ओम हो गया, ठीक है, और ये कितना है बच्चों आपका 15 ओम है, ठीक है। 30 ओम और 15 ओम दोनों समांतर में, तो दोनों का टोटल निकाल लो, इन दोनों का कुल कितना आएगा बच्चों, दोनों समांतर में है ना, तो इनका आ जाएगा 1 बाई आर बराबर 1 बटे 15 प्लस 1 बटे 30, तो 1 बटे आर बराबर कितना आएगा बच्चों 30, तो 15 दूना 30 2 प्लस 1, ठीक है, तो 1 बटे आर बराबर कितना आएगा 3 बटे 30, तो 1 बटे 10 आएगा, ठीक है, तो आर बराबर कितना आएगा 10 ओम, ठीक है, तो आर बराबर कितना आएगा बच्चों आपका 10 ओम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, सुनो ये आपका ई हो गया, ठीक है, ये 8 ओम, ये 5 ओम, ये 12 ओम और ये कितना हो गया बच्चों आपका, ये 10 ओम हो गया, ठीक है, 10 ओम आ गया ना, भाई 15 और 30 की जगह मैंने 10 ओम लगा दिया। अब आप देखो ये 10 ओम और ये 12 ओम दोनों किस में, श्रेणी क्रम में, अभी अब जब ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं बच्चों, तो इन दोनों की जगह पर कितना आ जाएगा 10 प्लस 12 कितना आ जाएगा बच्चों 22 ओम आ जाएगा, समझ गए मेरी बात को, ठीक है, तो इसको भी सोल्व कर लेते अपन, ठीक है। तो यहाँ पर और आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, 8 ओम और 5 ओम, ठीक है,
8 ओम और ये 5 ओम, ठीक है। 12 और 10 कितना हो गया बच्चों, 22 ओम हो गया, ठीक है, 22 ओम हो गया, ठीक है। अब बच्चों ये 22 और 5 दोनों किसमें हैं, समांतर में है ना, तो इनका टोटल कैसा आएगा, 1 बटे आर बराबर 1 बटे 22 प्लस 1 बटे 5, तो 1 बटे आर बराबर कितना आएगा बच्चों, 22 गुना 5। ये थोड़ा सा अब क्या है बच्चों, ये वैल्यूज़ है ना थोड़ी सी कैलकुलेशन में टाइम लेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी फटाफट कर लेते हैं। कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा प्लस ये कितना आ जाएगा, 22 है ना, तो 1 बटे आर बराबर कितना आएगा, 27 बटे 5 दूना 10, 5 दूने 10 और 11, ठीक है। चलो अब आर कितना आएगा आपका, आर बराबर आएगा बच्चों 110 बटे 27 ओम आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो अब मुझे बताओ टोटल प्रतिरोध कितना आएगा। टोटल अगर आपको निकालना है तो ये कितना है बच्चों, 8 ओम, ठीक है, और ये कितना है 110 बटे 27 ओम, तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा, इन दोनों को भी जोड़ दो, श्रेणी क्रम में है दोनों, ठीक है, तो टोटल प्रतिरोध आएगा 8 ओम प्लस 110 बटे 27, ठीक है। तो सॉल्व कर दो, 27 एलसीएम आ जाएगा, 8 गुणा 27 प्लस 110, 8 और 7 56, 5, 8 दूना 16, 16 और 5 21 प्लस 110 बटे 27, ठीक है। कितना आएगा बच्चों, 6 2 3 और ये 27, ठीक है। तो इतना ओम प्रतिरोध आपका आ जाएगा, बहुत आसान है बच्चों। बोलो सर, कॉलेज टाइम पे ट्रेड अच्छाई से नहीं हो पाया था, अभी भी उसका डर हो रहा है, थोड़ा गाइड प्लीज। अमित जमलपुरिया, गाइडेंस केवल इतना ही दूंगा कि ये सारा डर है ना यही ख़त्म हो जाएगा। माय पाठशाला रेलवे का ऐप डाउनलोड कर लो, एक बार आप क्लासेस लो, ठीक है, 699 रुपये का कोर्स है बच्चों, बहुत मिनिमम कॉस्ट है, पूरे साल की वैलिडिटी आपको मिल रही है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाए। मैं कह रहा हूँ डर तुम्हारा लेक्चर के बाद डर खत्म हो जाएगा, एक लेक्चर लोगे डर खत्म, तुरंत टॉपिक एकदम शानदार हो जाएगा, समझ गए मेरी बात को, कोई डर रहेगा ही नहीं, नाम का डर नहीं रहेगा आपके अंदर, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, समझ गए बच्चों मेरी बात को। बोलो बच्चों, बात समझ चुकी है क्या, बोलो बच्चों, यस द पॉइंट इज क्लियर। चलो बढ़े आगे, यस नेक्स्ट। आवाज़ नहीं आती है, अरे आवाज़ नहीं आती, ऐसा कैसे होता है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7 नंबर, नहीं यार 7 नहीं है, 8 तो गया था, 9 नंबर, 9 नंबर है ना, यस। अब ये देखो, ये भी क्वेश्चन ऐसा का ऐसा है बिल्कुल, है ना। अब बहुत आसान है बच्चों, अब अपन है ना फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे, अप्रोच मैंने बता दी कैसे करोगे। देखो ये दोनों किस में बच्चों, इन दोनों को देखो, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो 25.5 प्लस 51 कितना आया बच्चों, ये 5 और 1 6 5 2 7 76.5 ओम, ठीक है। कितना आया बच्चों आपका, 76.5 ओम आया है ना, ठीक है, 76.5 और 51 ओम है ना, ये दोनों किस में आएंगे। ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, है ना, यू मत सोचना सर ऑब्जेक्टिव में ऐसे, बच्चों ऑब्जेक्टिव में आसान आते हो, ये तो मैं आपको बढ़िया समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए इतना करा रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, इस जगह पर इतना आएगा तो ये सर्किट अब आपका कैसा बनेगा, सर्किट ऐसा बन जाएगा, देखो पच्चीस पॉइंट पाँच ओम और ये 51 ओम, ठीक है। अब बच्चों ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 1 51 ओम ये लगा पड़ा है, और अपन ने यहाँ से निकाला है वो कितना आया बच्चों, 76.5 ओम, ठीक है। अब ये 76.5 ओम, 51 ओम, 51, ये तीनों किस में, समांतर में, तीनों का समांतर निकाल के इसमें ऐड करेंगे, अपना टोटल प्रतिरोध आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, कर सकते हो इतना,
बोलो बच्चों। सर स्पेशल आपसे कॉल पर बात करना, हाँ कर लेना, कोई बात नहीं अमित, ये लो मेरा नंबर, स्पेशल बात कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 9667271352, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 10 बजे बाद आप कॉल कर लेना, मैं उठा लूँगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को कर लोगे सर? हाँ कर लेंगे, बोलो कर लेंगे सर, है ना, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, द पॉइंट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, ये मान लो आप लोग, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 आया, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा आपका, आई थिंक 9 नंबर पर आएगा क्या, नहीं 10 नंबर पर आएगा, ठीक है, 10 नंबर पर आपका आएगा, यस दिस वन, ठीक है। अब बच्चों ये भी डरना नहीं है इनको लेके, इनको लेके अगर डर गए तो फिर तो समस्या हो जाएगी। बच्चों कुछ नहीं करना है, आराम से आप तो क्या हो, जिस जिसके बीच में पूछ रहा है उन दोनों के अक्रॉस देखो, ठीक है। चलो फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में, तो ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ठीक है। तो हमें ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। अब सुनो बच्चों होता क्या है, ध्यान से सुनना। एक्चुअली बच्चों ये 2 ओम और ये 2 ओम, सुनो 2 ओम और 2 ओम दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में, तो दोनों और दोनों कितना हो जाएगा, 4 ओम। अब मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, जब समान मान के दो प्रतिरोध समांतर में होते हैं ना, ये R और ये R, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, R बाई टू होता है, कितना होता है बच्चों, R बाई टू होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी चालू हो जाएगा, थोड़ा सा हैंग हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बोलो बच्चों, मतलब समान अमाउंट के जो दो रेजिस्टेंस होते हैं बच्चों, अगर समान अमाउंट के दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के समांतर में लगते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आधा हो जाता है, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, समझ गए मेरी बात को। सर आरपीएफ में ये क्वेश्चन आया है क्या, आरपीएफ में ये क्वेश्चन आता है क्या, ये शाहरुख खान ऐसे नहीं, ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल यार, बेसिक क्वेश्चन है ना, बेसिक क्वेश्चन तो आरपीएफ क्या हर एग्जाम में आते हैं बच्चों, हर एग्जाम के अंदर बेसिक क्वेश्चन तो पूछे जाते ही है, सीधी सी बात है, ठीक है। हर क्वेश्चन हर एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन तो आपसे पूछता ही है, 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, चलो अब मेरी बात सुनो, होता क्या है सुनो, मैं आपको एक बात बता रहा था कि जब दो रेजिस्टेंस समांतर में होते हैं, R और R, ठीक है, तो इन दोनों का जो तुल्यांकी प्रतिरोध होता है ना, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा बच्चों, 1/R + 1/R, ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना होगा, 2/R, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा बच्चों, R/2 होगा, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, आपका R/2 आएगा, समझ गए। तो देखो कैसे, 2 ओम और 2 ओम क्या हो जाएगा बच्चों, 4 ओम हो जाएगा, 4 ओम और 4 ओम दोनों समांतर में हो गए, तो 4 ओम और 4 ओम का समांतर में 2 ओम आएगा, आधा आएगा। अब ये पूरा 2 ओम हो गया, ये 2 ओम और ये 2 ओम तो श्रेणी क्रम में हो गए ना बच्चों, तो 2 और 2 कितना हो गया, वापस 4 ओम हो गया। अब सुनो मेरी बात को बच्चों, ये जो 4 ओम है ना, ये टोटल 4 ओम हो गया आपका, ठीक है, ये 4 ओम और ये 4 ओम दोनों समांतर में, फिर 2 ओम आएगा, फिर वो 2 ओम इस 2 ओम में जुड़ेगा, फिर 4 ओम, फिर वो 4 ओम और ये 4 ओम समांतर में, फिर 2 ओम, फिर 2 और 2 4 ओम। तो बच्चों 4 ओम और 4 ओम फिर समांतर में आएंगे और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2 ओम इज योर आंसर, बहुत आराम से करोगे इसमें, तो मैं कह रहा हूँ पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, हाँ रहेगी, बिल्कुल रहेगी, अरमान सिंह ऐप पर कंटिन्यू रहेगी, हमारी जो माई पाठशाला रेलवे वाला ऐप है वहां पर कंटिन्यू चली रही, कंटिन्यू रहेगी भी, ठीक है, समझ गए बच्चों। तो बहुत आसान था, कर लोगे इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 2 4 हुआ, 4 4 पैरेलल में हो गया, तो ये वापस 2 ओम हो गया, 2 और 2 वापस 4 4 पैरेलल में, फिर 2 ओम हो गया, 2 और 2 फिर 4 4 फिर वापस 2 ओम, इस तरीके से हो गया, समझ गए मेरी बात को,
चलो बढ़े आगे बच्चों, नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर पर, ठीक है। 11 नंबर पर अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट, ठीक है। यस, फाइंड द करंट इन 7 ओम रेजिस्टेंस, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुना बच्चों, इस 7 ओम के रेजिस्टेंस पर हम लोग करंट ढूंढेंगे। 7 ओम का जो रेजिस्टेंस है बच्चों, इस 7 ओम के रेजिस्टेंस में हम लोग करंट फाइंड आउट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सुनो बच्चों, बहुत आसान है। यहां से मान लो करंट आई गया, ठीक है, इधर भी आई चला गया, है ना। अब बच्चों एक बात ध्यान देना, ये 7 ओम और ये 3 ओम दोनों किस में दिख रहे तुम्हें, श्रेणी क्रम में। तो 7 और 3 दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे, है ना। तो सर्किट इधर बनाता हूं, देखो कैसा बनेगा। ये आपका 10 ओम, ये आपका 10 ओम, ठीक है, ये आपका 5 ओम, ये 15 वोल्ट की बैटरी और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, 7 और 3 कितना हो गया, 10 ओम। तो 10 ओम और ऊपर 10 ओम आ गया, नीचे 10 ओम आ गया, ठीक है, उधर 5 ओम, इधर 5 ओम और ये 15 वोल्ट आ गया। अब सुनो मेरी बात को, 10 ओम और 10 ओम दोनों समांतर में, मैंने बोला था आपको, अच्छा करंट इधर, देखो सुनो मेरी बात को, करंट मान लो इधर आई चला गया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो बच्चों दोनों 10 ओम के प्रतिरोध है, तो बराबर अमाउंट के जब प्रतिरोध होते हैं तो धारा कैसे जाती है, आधी आधी दोनों में जाती है। क्या जाती है, आधी आधी। तो I बाई टू इधर जाएगी और I बाई टू इधर आएगी। तो अगर अपना I आ जाए तो हो गया ना काम मेरा। तो बच्चों I निकालने के लिए अपन एक काम करें, टोटल प्रतिरोध निकाल लें, ठीक है। 10 ओम और 10 ओम दोनों समांतर में है, तो समांतर में तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, आधा। तो ये भी 5 ओम आएगा बच्चों, तो 5 ओम, 5 ओम और 5 ओम, यानी 5 5 ओम के 3 रेजिस्टेंस आपके आ जाएंगे। 5 5 ओम के आपके 3 रेजिस्टेंस आ जाएंगे, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस ही आएगा, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस ही आएगा, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस ही आएगा, ठीक है। ये लो, तो ये 15 वोल्ट की बैटरी, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, ठीक है। और यहाँ पर एक करंट जा रही है आई, ठीक है। अब सुनो बच्चों मेरी बात को, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, 5 5 और 5 15 ओम हो गया, ठीक है। तो ये 15 वोल्ट की बैटरी और ये 15 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर करंट क्या आ गई, आई आ गई, ठीक है। तो आई बराबर क्या है, ये वी बटे आर, ठीक है। तो आई बराबर क्या आता है बच्चों, 1 एम्पियर। कितने एम्पियर की करंट आती है बच्चों, 1 एम्पियर की करंट आती है। बोलो बच्चों, समझ गए क्या मेरी बात को, द पॉइंट इज क्लियर। बोलो बच्चों, बोलो, बताओ बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, यस बिल्कुल सही है। तो अब एक बात बताओ, एक एम्पियर की करंट आई, अपन को तो यहाँ निकालनी ना, तो एक का आधा कितना आ गया, एक बटे दो एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर। कितने एम्पियर की करंट जाएगी बच्चों, 0.5 एम्पियर की। हो गया क्वेश्चन, बोलो मेरे भाई शाहरुख, आंसर दो, यस टेल मी द आंसर, फास्ट फॉरवर्ड में आंसर दो। बोलो बच्चों, तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, अब सुनो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर, ठीक है। गिवन है R1 और R4 और R2, ठीक है, R3। अब मेरी बात सुनना बच्चों, R1 बराबर R4 बराबर 5 ओम, R2 R3 ये आपका कितना दिया है, 2 ओम दिया, ठीक है। और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों, बहुत आसान है। देखो R1 कितना है, 5 ओम, R4 कितना है, 5 ओम, ये कितना है, 2 ओम, और ये भी कितना है, 2 ओम, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, होता क्या है, 5 ओम ये आ गया, ये 2 ओम 2 ओम समांतर में होता तो कितना ओम होता है बच्चों, 1 ओम हो जाता है, ठीक है।
और ये 5 ओम है, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों, 5 और 5 10 और 1 11 ओम। तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा आपका, 11 ओम, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, 11 ओम। बोलो बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बोलो बच्चों, बोलो, द पॉइंट इज क्लियर। मेरे हिसाब से काफी अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बोलो बच्चों, बढ़े आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं। चलो, द पॉइंट इज क्लियर। बोलो बच्चों, चलिए, ठीक है शाहरुख, ओके, हाँ विनय कुमार का आ गया, ठीक है विनय, 12 नंबर हो गया, 13 नंबर पर आते हैं, ठीक है। चलिए, 13 नंबर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बच्चों वही है, टोटल रेजिस्टेंस निकाला। अब बच्चों देखो, जब तीन रेजिस्टेंस समांतर में आए तो आर बाई, देखो जब दो रेजिस्टेंस समांतर में थे, मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, जब दो रेजिस्टेंस समांतर में होते हैं आर और आर है ना, तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है बच्चों आर बाय टू, ठीक है। जब तीन रेजिस्टेंस समांतर में आते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस आता है आपका बच्चों आर बाय थ्री, इस तरीके से, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस आपका आता है आर बाय थ्री या आर बाय टू, ठीक है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, ये आपका 10/3 हो जाएगा, बोलो बच्चों, ठीक है, 10/3 ओम आ जाएगा। बोलो बच्चों, 10/3 ओम आ जाएगा, बिल्कुल सही है। एस तिवारी का आंसर एकदम सही है, बिल्कुल सही आंसर है एस तिवारी आपका, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं आपसे तो अब मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर अपन बात करें बच्चों, तो जो क्लासेस हैं इन क्लासेस की मैं बता दूं, मैंने जितना कराया है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, आपके लिए काफ़ी करा दिया है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो क्लासेस हैं मेरी कहाँ मिलेगी आपको, है ना बच्चों। क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, रेगुलर बेसिस पर चल रही है, डेली बेसिस पर चल रही है। माई पाठशाला रेलवे का ऐप डाउनलोड करो पहले तो आप लोग, कौन सा बच्चों, माई पाठशाला रेलवे, इस ऐप को जब डाउनलोड करोगे तो पॉपुलर कोर्सेज में जब जाओगे तो वहां पर आपको मेरा बेच नजर आ जाएगा, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड वाला, ठीक है, जो कि एक फाउंडेशन बेच है बच्चों, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। और मैं कहूँ तो बार्क और जो जिनका सपना इसरो के अंदर साइन वो टेक्नीशियन बनने का, तो उनका ये सपना साकार करना उसी पर्पज से ये बेच है बच्चों, जहाँ पर आपको कंप्लीट ट्रेड की थ्योरी जो है पढ़ाई जा रही है, विद एनिमेशंस विद ग्राफिक्स के थ्रू आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। क्लास में पीडीएफ जो होती है वो आपको डेली बेसिस पर जो ऐप हमारी है उस ऐप पर अपलोड कर दी जाती है, एक बार आप विजिट करिए कोर्स को, एक बार आप देखिए, ठीक है। चलिए बच्चों, राइट, और फीस काफ़ी मिनिमम रखी है, 699 फीस है बच्चों, ठीक है। तो पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आपका कोई डाउट है तो सर कल भी पढ़ाना, हाँ देखते हैं शाहरुख खान, बिल्कुल है ना, कोशिश करेंगे। आज मैंने जो टॉपिक चालू किया वो मैंने आपको ख़त्म भी कर दिया है, ठीक है, और आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। तो करें क्लास को फिनिश, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी लंबी क्लास हो गई और पूरा टॉपिक आपको करा दिया, 5 नंबर आपके पक्के हो गए, इतना आप कर जाना। बढ़िया से मैंने आपको ओम के नियम समझा दिया, केसीएल केवीएल समझा दिया, प्रतिरोध का श्रेणी और समांतर संयोजन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों, गजब पढ़ाते हो जी, बिल्कुल शाहरुख खान जी, धन्यवाद आपका, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर वापस से ऐप पर और यूट्यूब पर, थैंक यू सो मच।